एवरीवन, आपका अपने चैनल डॉक्टर प्रेमवती यादव होम्योपैथ में स्वागत है। आज हम लोग सिफलिनम के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिफलिनम का जो पर्सन होता है, इसका मेंटल कैरेक्टर आपको बहुत स्पेसिफिक देखने को मिलता है, कि इसमें लॉस ऑफ मेमोरी देखने को मिलती है, मतलब चीजें याद ना रहना। इसमें इतना ज्यादा पर्सन भूलने वाला होता है कि वो प्लेस का नाम भूल जाता है, कि किस जगह पे गया था, किस इंसान से मिला। मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ तो कौन सी बुक पढ़ रही है, अगर मुझे बुक का नाम ना याद आ रहा हो, अपने दोस्त का नाम ना याद आ रहा हो, मैं किस जगह पे रहती हूँ ये याद ना आ रहा हो, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में मुझे दिक्कत होती हो, कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत आ रही हो, अर्थमेटिक प्रॉब्लम हो, तब आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें ऐसा सेंसेशन आता है कि ये पागल हो जाएगा, और उसके साथ इसको ऐसा लगता है कि इसको पैरालिसिस होने वाला है, पैरालाइज्ड होने वाला है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनडिफरेंस देखने को मिलेगा, चीजें से अलग होने लगेगा, जिन चीजों में इंटरेस्ट हो उन चीजों से भागने लगेगा, उदासीनता देखने को हमें यहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेरिबल ड्रेड ऑफ नाइट, मतलब रात में बहुत ज्यादा डरा हुआ देखने को मिलता है। ऐसा होता है कि इसका जब पर्सन सो के उठता है तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करता है। एग्जॉस्टेड यहाँ से मेंटली भी बहुत ज्यादा होता है और फिजिकली भी, सो के उठने के बाद इतना ज्यादा हो जाता है कि पर्सन को ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो वो मर जाता, मतलब इतना ज्यादा थकान सी, इतना ज्यादा एग्जॉशन फील कर रहा है। अगर ऐसा सिम्टम देखने को मिल रहा हो जिसकी वजह से पर्सन रात में सोना भी ना चाह रहा हो क्योंकि सुबह उसको ऐसे सेंसेशन आएंगे, तब आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सिफलिनम है मतलब सिफलिस, तो इसमें कभी भी जो आपको एग्रावेशन देखने को मिलता है या कोई भी कंप्लेंट्स जो बढ़ती हैं, वो सन डाउन होने से, मतलब जब सन सेट होने लगता है, जब सन जो है हमारा ढलने लगता है सूरज, तब से शुरू होके जब तक सूरज उगता है, मतलब सन राइज तक यहाँ पे कंप्लेंट देखने को मिलती है। मतलब शाम से पूरी रात तक इसका पर्सन जो है परेशान रहेगा और सुबह फिर ये ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा कोई पर्सन है तब आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका पेन जो होता है ग्रेजुअली इंक्रीज होता है और ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ा और धीरे धीरे ही ठीक होगा, मतलब सडन नहीं होती कोई भी चीजें यहाँ पे, सब कुछ एक थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है, तब आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा आप स्टेनम के बारे में भी सोच सकते हैं कि इसका भी जो दर्द होता है वो भी धीरे धीरे चालू होता है और धीरे धीरे ही ठीक होता है। इसका जो पर्सन होता है उसमें एक्सट्रीम इमाशिएशन देखने को मिलता है, पूरी बॉडी में एकदम दुर्बलता देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा कमजोर सा देखने को मिलता है, तब भी आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा आपको एब्रोटिनम में भी देखने को मिलता है। अब हम इसके हेड सिम्टम की बात करते हैं तो हेडेक के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन में न्यूरालजिक पेन देखने को मिल रहा है, नसों का दर्द देखने को मिल रहा है, हेड में ऐसा लगता है कि नस दुख रही है, उसकी वजह से स्लीपलेसनेस देखने को मिल रही है, पर्सन सो नहीं पा रहा है, डिल्यूजन हो रहा है, एकदम कुछ भी बड़बड़ा रहा है, चीजें समझ नहीं आ रही है नींद ना आने की वजह से, और शाम में 4 बजे से चालू हो रहा है, रात का जो 10 से 11 बजते हैं उस समय इसकी कंडीशन एकदम वॉस हो जा रही है, एकदम बदतर कंडीशन हो जा रही है, तब आप इसके बारे में सोच सकते हैं। सिफलिनम यहाँ पे बहुत अच्छी एक्ट करेगी। वहीं पे अगर डे टाइम पे 10 से 11 बजे हेडेक देखने को मिल रहा है तो आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल की बहुत ज्यादा क्रेविंग देखने को मिलती है। इसका जो पर्सन होता है वो किसी भी फॉर्म में अल्कोहल को कंज्यूम करना चाहेगा, मतलब कहीं से भी अल्कोहल मिल जाए ऐसा पर्सन होता है, बस मुझे दारू दिला दे यार, तो सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे हेरिडिटरी टेंडेंसी भी देखने को मिलती है, मतलब ऐसा भी आप जब हिस्ट्री लेंगे तो पता चल सकता है कि उसके फादर भी लेते थे, फादर के फादर भी लेते थे, या अगर मदर है तो मदर भी लेती थी, मदर की मदर भी लेती है, मतलब ऐसी टेंडेंसी आपको दारू की देखने को मिल रही हो, तब आप सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, आसरम यूरोपियम के बारे में सोच सकते हैं। ये सारी मेडिसिन ऐसी है जहां पे अल्कोहल की क्रेविंग देखने को मिलती है। अब हम इसके आई सिम्टम की बात कर लेते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा है उसमें ऑप्थैल्मिया नियोनेटोरम हो रहा है, रात के समय में आंखें चपक जाती हो, पस जैसा डिस्चार्ज देखने को मिलता हो, और जो विजन हो उसमें भी डिप्लोपिया देखने को मिल रहा हो, मतलब एक चीज ये मान लीजिए हाथ सिर्फ यहीं पे है लेकिन उसको जो है हाथ के नीचे भी कुछ चीजें दिखाई दे रही हो, हाथ ही जो है नीचे भी दिखाई दे रहा हो, डबल विजन अगर देखने को मिल रहा हो, तब भी आप यहाँ पे सिफलिनम के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद जो है इसके बच्चे में बहुत ज्यादा आंख में दिक्कत हो रही थी, लेकिन अगर ये नहा लेता है तो इसके आई सिम्टम्स में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। अब इसके टीथ की बात कर लेते हैं तो इसका टीथ का जो एजेस होंगे वहां पे कहीं ना कहीं आपको सड़न देखने को मिलेगी। इसकी टीथ जो है बहुत ज्यादा सीरेटेड, जैसे नुकीली टीथ होती है वैसा टीथ देखने को मिलता है,
तब भी आप सोच सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टेफिस एग्रिया के बारे में भी सोच सकते हैं, वहां भी टीथ आपको सिलेटेड देखने को मिलता है, इजेस में सड़न देखने को मिलती है, तो ये दोनों मेडिसिन का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हम इसके स्किन सिम्टम की बात करते हैं। अगर स्किन में इरप्शन हो, डल हो, रेड कलर का हो, कॉपर कलर का अगर इरप्शन देखने को मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही पानी पड़ता हो ब्लूइश कलर में चेंज हो जा रहा हो, सन जैसे ढलता है तब से स्किन कंप्लेन बढ़ जाए, पूरी रात परेशान परेशान देखने को मिले और दिन में उसकी कंप्लेन ठीक हो जाए, तब भी आप सिफ्लिनम के बारे में सोच सकते हैं। अगर किसी में हिस्ट्री है सिफ्लिटिक की और उसको लोकल एप्लीकेशन से ठीक किया गया हो लेकिन परमानेंट क्योर ना हुआ हो, उसके बाद सोर थ्रोट की कंप्लेन बनी हुई रहती है, तब भी आप सिफ्लिनम के बारे में सोच सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कोई पर्सन है, आपने उसको सिफिलिटिक अफेक्शन के लिए मेडिसिन दी लेकिन उससे भी क्योर नहीं हुआ, तब भी आप सिफिलिनम दे सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है, काफी साल से कॉन्स्टिपेशन है, एनिमा का भी यूज किया जा रहा हो अगर पर्सन में, तब भी आप सिफिलिनम दे सकते हैं। और अगर कोई पर्सन है उसके एनल रीजन में एंड जो हमारा रेक्टल एरिया होता है वहां पे फिशर्स देखने को मिल रहा हो, कट जैसा देखने को मिल रहा हो, तब भी आप सिफिलिनम के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा आप थुजा के बारे में भी सोच सकते हैं, ये दोनों मेडिसिन का एक्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फीमेल सिम्टम की बात कर लेते हैं तो ये ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर कोई वुमेन है उसमें ल्यूकोरिया इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको नैपकिन का यूज करना पड़ जा रहा है और ल्यूकोरिया पूरी हील तक जा रहा है, मतलब जो हमारा पैर की एड़िया है वहां तक फ्लो हो जा रहा है ल्यूकोरिया का, तब भी आप सिफिलिनम के बारे में सोच सकते हैं। और रनिंग डाउन टू द हिल के लिए आप एलुमिना के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन वहां ल्यूकोरिया जो है डे टाइम पे इसके सिम्टम्स वास्ट होते हैं ल्यूकोरिया के, एंड कोल्ड बाथिंग से वहां पे रिलीफ है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इसके हार्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं तो सिफिलिनम में हार्ट एक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर हार्ट में बेस से एपेक्स की तरफ दर्द जा रहा हो, हार्ट का जो बेस होता है वो ऊपर की तरफ होता है, वहां से एपेक्स तक अगर दर्द जा रहा है तब आप सिफिलिनम के बारे में सोचेंगे। वहीं पे अगर एपेक्स से बेस की तरफ पेन जा रहा हो तब आप मेडोराइनम के बारे में सोचेंगे। वहीं अगर हार्ट से क्लेविकल तक पेन जा रहा हो या तो शोल्डर तक जा रहा हो दर्द, तब आप स्पाइसेलिया के बारे में सोचेंगे। ये तीनों मेडिसिन हार्ट में अगर लैंसिनेटिंग टाइप का पेन देखने को मिल रहा हो तब आप इनका यूज कर सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन में रूमेटिक पेन देखने को मिल रहा हो, वो भी मैं स्पेशली शोल्डर में, ये कोई भी शोल्डर हो सकती है जहां पे डेल्टॉइड का इंसर्शन हो रही है, अगर वहां पे दर्द हो रहा है, अगर लैटरली साइड में हाथ को उठाने से लैटरल पेन देखने को मिल रहा है, तब आप सिफिलिनम के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पे अगर सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में आपको दर्द देखने को मिल रहा है तब आप फेरमिट के बारे में सोच सकते हैं। वहीं दोनों शोल्डर में अगर दर्द देखने को मिल रहा है तो आप सैंगोनेरिया भी दे सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। अब हम इसके जनरल मोडालिटीज की बात कर लेते हैं तो इसके कोई भी कंप्लेंट्स जो है वो आपको ट्वीलाइट टू डे लाइट तक देखने को मिलेगा, मतलब शाम के समय से आप ट्वी लाइट जला लेते हैं, घर की लाइट्स ओपन कर लेते हैं, सेट टू सनराइज तक इसके कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। रात के समय में इसके जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको वॉस देखने को मिलती है, इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा बदतर हो जाती है। अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 7415107494 पे। आप होम्योपैथिक से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं Dr.Priyamvati Yadav। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।